नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पूछता है झारखंड। देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड की मांग उठाई है। एक बार फिर से उन्होंने झारखंड दौरे पर आई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इस मामले में अपने स्तर से पहल करने का आग्रह किया। सोरेन ने इसे आदिवासियों के जीवन मरण से जुड़ी हुई मांग बताया। आप पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक आदिवासी समुदाय की हमारी महामहिम राज्यपाल महोदया यहाँ हमारे राज्य में पहले राज्यपाल के रूप में भी उन्होंने काम किया और देश के आदिवासियों को दिशा देने का भी मार्ग प्रशस्त कर रही है। सीएम की इस मांग से सियासी संग्राम एक बार फिर से छिड़ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने सीएम सोरेन ने सरना धर्म कोड की मांग क्या उठाई, सूबे की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। गुरुवार को राष्ट्रपति झारखंड के खूंटी में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के साथ संवाद कार्यक्रम में पहुंची थी। इस दौरान मुख्यमंत्री सोरेन भी मौजूद थे। इसी दौरान उन्होंने अपने भाषण में राष्ट्रपति से गुहार लगाई और कहा कि झारखंड विधानसभा ने सरना धर्म कोड पास कर केंद्र को भेजा है, उसे संसद से पारित कराया जाए। बता दें कि आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड की मांग पिछले कई सालों से उठ रही है। सरना धर्म कोड की मांग का मतलब है भारत में होने वाली जनगणना के दौरान प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो फॉर्म भरा जाता है उसमें दूसरे धर्मों की तरह आदिवासियों के धर्म का जिक्र करने के लिए अलग से कॉलम बनाया जाए। जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, सिख और बौद्ध धर्म के लोग अपने धर्म का उल्लेख जनगणना के फॉर्म में करते हैं, ठीक उसी तरह आदिवासी भी अपना सरना धर्म का उल्लेख कर सके। जैसे हम लोगों ने सरना धर्म कोड के बारे में भी कहा, वो भी केंद्र को भेजा है और इस राज्य में जो हो मुंडारी कुड़ुक है इसको 8वीं अनुसूची में शामिल कराने का प्रयास किया जाए ताकि यहाँ के आदिवासियों का मान सम्मान और उनका वजूद बच सके। हालांकि झारखंड विधानसभा ने 11 नवंबर 2020 को ही विशेष सत्र में आदिवासियों के सरना धर्म कोड को लागू करने की मांग का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया था। ये प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था, लेकिन उस पर अब तक फैसला नहीं हुआ है। वहीं विपक्ष में बैठी बीजेपी से सरकार के द्वारा आदिवासियों के साथ की जा रही राजनीति करार दे रही है। भले ही बीजेपी से सियासत का नाम दे रही हो, लेकिन जब से प्रस्ताव लेकर सरकार आई थी उसी समय मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के विधायकों ने भी समर्थन किया था। खैर, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड लागू करवा पाना क्या वाकई में सोरेन सरकार इसमें कामयाब हो पाएगी। साथ ही सवाल ये भी कि राष्ट्रपति मुर्मू से की गई मांग आखिर कितनी कारगर होती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो सरना पर सियासत झारखंड में जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासियों के सामने ही द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति से गुहार लगाई कि सरना धर्म कोड लागू किया जाए झारखंड में। हालांकि ये पहले से ही प्रस्ताव हो चुका है विधानसभा से, इसका विधेयक केंद्र के पास भेजा गया। सीएम सोरेन ने सरना धर्म कोड की मांग की है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं, जनगणना के फॉर्म में सरना धर्म कोड जोड़ने की मांग की है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। इसके साथ ही उन्होंने आदिवासियों को अलग पहचान देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सरना धर्म कोड से आदिवासियों को अलग पहचान जो है वो मिलेगी। विधानसभा से पारित हो चुका है ये सरना धर्म कोड का प्रस्ताव। हालांकि उस दरमियान बीजेपी ने भी इसका समर्थन किया था। आदिवासियों को अलग पहचान देने की ये मांग है सरना धर्म कोड, जिसको लेकर मांग बार बार की जा रही है। हालांकि सीएम की मांग पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं और बीजेपी ने इसे सियासत का नाम दे दिया है। तो चलिए आते हैं चर्चा पे। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। हमारे साथ प्रदीप सिंह है, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ संजीव तरशान है, नेता है कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ फिरोज खान साहब है, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत आप ही के साथ, प्रदीप सिंह साहब, कैसे देखते हैं सरना धर्म कोड की मांग को लेकर और इसमें सियासत कहां से नजर आ रही है बीजेपी को? प्रदीप सिंह ऑडियो उठाइए। प्रदीप सिंह का हेलो जी सर, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, मेरी पहुंच रही आपके आवाज सर, आ रही है। जी देखिए, एक प्रोटोकॉल होता है महामहिम के साथ। हाँ। और उस प्रोटोकॉल में कार्यक्रम पूर्व निर्धारित होते हैं। हाँ। आप जब ये जो घटना, ये जो अभी सोरेन जी ने किया है, हाँ। उसको कहें, अगर कहा जाए तो उसको कहेंगे स्टीलिंग द मोमेंट। लेकिन वो स्टीलिंग द मोमेंट तब अच्छा होता है जब वो
बहुत सारे लोगों के लिए देश के हित में हो और व्यक्तिगत से ऊपर उठ करके हो। हाँ। निश्चित तौर पे भाजपा ने इसका जो है समर्थन किया था विधानसभा में जब यह आया था। हाँ। लेकिन देश की राष्ट्रपति महामहिम जब बैठी हो वहां पे, तो आप प्रोटोकॉल तोड़ करके खबरों में बने रहने के लिए आप इस तरह की अगर बात करेंगे तो निश्चित तौर पर उस पर उसको यही कहा जाएगा कि आप राजनीति कर रहे हैं। जब आपने विधानसभा में पास कर दिया, उसको आगे भेज दिया गया है, जो संविधान सम्मत होगा वो उसी आधार पर चलेगा ना, कि आप चाहे जिद करने लगे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह से, जो कि संविधान जानते हुए भी संविधान न जानने की जिद उठाने बैठे हैं। हाँ। तो उससे क्या कहा जाए, उससे यही कहा जाएगा कि राजनीति शुरू हो गई, प्रदेश के देश के विकास के लिए सदन है, वहां से उनकी चर्चा होती है, कानून बनते हैं, फिर एक यानी कि बीजेपी सरना धर्म कोड के पक्ष में इसका विरोध नहीं कर रही है। निश्चित तौर पर अगर हमने इसको विधानसभा में समर्थन किया है तो अगर विरोध करना होता तो वहीं फिर दिक्कत कहां थी ना, जब राष्ट्रपति से गुहार लगाई थी ना मुख्यमंत्री ने, तो परेशानी क्या बात है। आप मुख्यमंत्री हैं, ऐसा तो होगा नहीं कि आपका लेटर अगर राष्ट्रपति महामहिम को जाएगा तो वो रद्दी के टोकरे में फेंक दिया जाएगा। आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हाँ। तो फिर इस तरह की बात क्यों, आप जो है प्रोटोकॉल तोड़ करके आप सोचते हैं कि लाइमलाइट में आ जाए और कुछ बचा नहीं आपके लिए। अरे सर, आप मुख्यमंत्री हैं उस प्रदेश की, वहां पर जिस प्रकार से कार्यक्रम चल रहा था, कार्यक्रम का अवसर क्या था, कितने सारे लोग आए थे, तो वहां पर केवल वोट बैंक बढ़ाने के लिए या अपनी पब्लिक पब्लिसिटी के लिए आप ऐसा करते हो तो निश्चित तौर पर उससे विरोध होगा। हाँ ठीक है, संजीव तरशान साहब, प्रोटोकॉल तोड़ा है महामहिम राष्ट्रपति का, ये बात अलग से भी कही जा सकती थी, राष्ट्रपति भवन में पत्र लिख के भी कही जा सकती थी, लेकिन बीच कार्यक्रम में राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल तोड़ना कहां तक जायज है, ये बात कह रही है बीजेपी। देखिए, मैं इनकी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हाँ। क्योंकि अगर देखा जाए तो 2011 के अंदर जब सेंसस आया था इंडिया का, तो उसमें तकरीबन 11 करोड़ देश के अंदर आदिवासियों की पॉपुलेशन थी। हाँ। उसमें सबसे ज्यादा 50 लाख पॉपुलेशन जो थी वो सरना समाज के लोगों की थी, जो सरना समाज को प्रोफेस करते थे। उसके बाद देखा जाए तो 11 नवंबर 2020 को झारखंड सरकार ने एक दिन का स्पेशल सेशन बुलाया और सर्वसम्मति से सारी की सारी पार्टियों ने इस पे अपना समर्थन दिया और ये प्रस्ताव पारित किया गया कि सरना को अलग से सेंसस के थ्रू जोड़ा जाएगा और एक अलग से कॉलम आएगा सेंसस के दौरान कि जिसमें सरना धर्म को मानने वाले लोगों को भी ऐड किया जाएगा और उनके लिए भी एक सेपरेट कॉलम होगा कि वो अपनी सारी की अपने बारे में लिख सकें। बट अगर देखा जाए तो ये बात सरना धर्म के लोग अभी से नहीं उठा रहे, ये जब से झारखंड की स्थापना हुई और जब से देश के अंदर आदिवासी रह रहे हैं तब से इस बात को मुद्दा बना करके उठाया जा रहा है और उन लोगों की बहुत लंबे टाइम से ये मांग थी कि सरना धर्म को एक अलग से पहचान दी जाए ताकि जो लोग प्रकृति की पूजा करते हैं और जो नेचर के साथ नेचर की पूजा करते हैं और वो जो नेचर के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं वो चाहते थे कि उनको बाकी धर्मों के साथ ना कनेक्ट किया जाए, उनका एक अलग से धर्म बना दिया जाए। तो बाकी जो बात की जा रही है कि राष्ट्रपति जी का प्रोटोकॉल तोड़ा गया और उनसे अपनी बात रखी गई, क्योंकि जब तक आपकी बात सुनी नहीं जाएगी तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो सर, बीच कार्यक्रम में राष्ट्रपति को डिस्टर्ब कर देना कहां तक ठीक है, आपने तो बीच कार्यक्रम में महामहिम को टोक दिया ना। देखिए, ये जो मुद्दा है ये 50 लाख लोगों का मुद्दा है जो झारखंड के अंदर रहते हैं, तो बीच कार्यक्रम में जाएंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। देखिए, वो बीच कार्यक्रम के अंदर गए, हो सकता है वो प्रोटोकॉल टूटा हो, प्रोटोकॉल टूटने का वो हिस्सा बाकी लोग माने, बट मैं इसको राजनीति से जोड़ करके नहीं देखता कि ये राजनीति से प्रेरित होकर के किया गया। 50 लाख लोगों की आवाज उठाने के लिए जो उनको उस समय थोड़ा सही लगा उन्होंने वो मांग उठाई और राष्ट्रपति जी के सामने अपनी मांग रखी, क्योंकि 2020 में नवंबर 2020 के अंदर विधेयक ला करके इसको पास किया गया, बट तब से लेकर के अब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया कि जिससे कि सरना समाज के लोगों को इसका कोई बेनिफिट मिल सके। तो आपको लगता है कि बीजेपी इसके विरोध में है, बीजेपी नहीं चाहती कि सरना धर्म कोड लागू किया जाए प्रदेश में। देखिए, अगर बीजेपी चाहती कि सरना धर्म कोड लागू किया जाए तो सेंटर में जो बीजेपी की सरकार है वो अब तक इसको पास कर देती। ये बीजेपी के प्रवक्ता जो बीजेपी यहाँ पे बैठे हुए हैं वो खुद बोलते हैं कि बीजेपी इसका समर्थन करती है, बट समर्थन अगर आप करते हैं तो आप उन 50 लाख लोगों के बारे में जो झारखंड के अंदर रहते हैं उनका भी तो समर्थन कीजिए ना, आप इसको पास कर दीजिए, तब हम मांगेंगे कि आप इसका समर्थन करते हैं और आप उन 50 लाख लोगों के साथ खड़े। ठीक है, फिरोज खान साहब है हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ, फिरोज खान साहब बहुत स्वागत है आपका। फिरोज जी, बीजेपी कह रही है कि प्रोटोकॉल तोड़ा हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति का,
और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सरना धर्म कोड, अगर आपके सरना धर्म कोड के आप हितैषी हैं, आदिवासियों के हितैषी हैं, तो केंद्र सरकार ने सरना धर्म कोड अब तक इसका प्रस्ताव पास क्यों नहीं किया? जब राज्य, जब विधानसभा से पास होकर भेज दिया गया है, तो केंद्र सरकार से क्यों अटका हुआ है बिल? जी पूछना चाहता हूँ कि झारखंड में जब अच्छा काम होता है तो बीजेपी वाले को पेट में दर्द होता है सबसे ज्यादा। अगर शासन किसी ने किया है झारखंड में, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। लेकिन सर ये तो पक्ष में थे ना, इन्होंने तो विधानसभा में वोटिंग की थी इसके पक्ष में। वोटिंग की थी पक्ष में, क्यों नहीं दिल्ली से पास करके भेज देना झारखंड? आज हेमंत सोरेन सरकार महागठबंधन की सरकार है, कांग्रेस साथ में है, अच्छा काम कर रही है, सब कुछ कर रही है, लोगों को घर घर तक राशन पहुंचा रही है, घर घर तक अपना सुविधा पहुंचा रही है, पेंशन योजना चालू हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये भाजपा के लोगों को हमेशा दर्द होता है पेट में कि भाई इतना अच्छा काम कैसे हो रहा है। जो काम भाजपा ने 15 साल में नहीं किया झारखंड में, वो महागठबंधन सरकार ने सब कुछ करके दिखा दिया। सोनू जी मैं कुछ बोलना चाहता था, सोनू जी मेरी आवाज आ रहा हूँ मैं आपके पास आ रहा हूँ प्रदीप जी आ रहा हूँ। आपका संस्कार बार मुख्यमंत्री का है, सबसे बड़ा शासन काल रहा है इनके पास, भय भोग भ्रष्टाचार का आलम पूरा झारखंड में लूट मचा हुआ था। लेकिन जब से महागठबंधन की सरकार आई है झारखंड में, सब से जाकर के लोग गरीब हो अमीर हो कोई भी आदमी हो जिस तरह का भी आदमी, सब लोग आपस में भाईचारा बना कर रखे हैं, भाईचारा बना कर रखे हुए, सब आपस में मिलजुल रहे हैं, सबका काम आसानी हो रहा है। मुख्यमंत्री जी सबसे जाकर मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री सबसे मिल रहे काम कर रहे हैं। ठीक है फिरोज साहब, आपका स्वागत है। बढ़ते हैं चर्चा की ओर, क्योंकि सरना पर सियासत झारखंड में जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीच कार्यक्रम में राष्ट्रपति से मांग कर दी कि सरना धर्म कोड झारखंड में लागू किया जाए। इसी मुद्दे पर कर रहे हैं बहस हमारे साथ प्रदीप सिंह है, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, संजीव तरशान है, नेता है कांग्रेस पार्टी के, फिरोज खान साहब है राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। लेकिन प्रदीप सिंह ये बात लगातार सरकार कह रही है, कांग्रेस पूछ रही है कि जब बीजेपी पक्ष में है, बीजेपी विरोध में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो केंद्र ने 3 साल से प्रस्ताव को अटका क्यों रखा है? आप पास करा दीजिए उसे केंद्र सरकार से। बहुत बढ़िया सवाल है सर, बहुत बढ़िया। हाँ, अभी ये जो खान साहब बैठे हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता हैं, बहरहाल दर्शक खुद ही समझ जाएंगे। हाँ, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा सर, आप देखिए हम सभी जो है राष्ट्रीय खबरों को, चाहे वो राजनीतिक हो या किसी प्रकार के, हम लोग जरूर उसके तत्व बने रहते हैं। आप तो सबसे स्तंभ है, तो आपका तो धर्म ही है उसको देखना। हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता है, तो हम लोग भी बड़ी सूक्ष्मता से देखते हैं। अब आते हैं, देखिए जब जब भी आवश्यक बिलों को सदन में पेश किया जाता है, विपक्षी दल किस प्रकार का बर्ताव उस पर करते हैं, कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना। ये क्या कोई जितने भी बिल सदन में लगे हुए हैं जिनको चेंज कराने के लिए या पास कराने के लिए कोई बात होती है, इसका सारे अपने अपने जगह पे महत्वपूर्ण है। अब कौन सी जगह पे कौन सा बिल लगा है और विपक्ष अपने हिसाब से कराना चाहता है, तो वो तो होगा नहीं ना। हमेशा कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दल, आप देख लीजिए पिछले 3-4 सदन जो सत्र हुए उनकी, उनका आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, कितने महत्वपूर्ण बिल थे, कितने पास हुए। निश्चित तौर पर यह भी महत्वपूर्ण बिल है, हमारी पार्टी ने इसका अगर सदन में समर्थन किया तो निश्चित तौर पर यह महत्वपूर्ण बिल है झारखंड राज्य के लिए। लेकिन कोई दूसरे राज्य का झारखंड से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है और ये बिल किसी और से कमजोर नहीं है। सभी अपनी अपनी जगह अपना महत्व रखते हैं और सदन की कार्रवाई जब चलने की बात आती है तो सभी अपनी जगह महत्वपूर्ण होते हैं। अब अगर इसको जो है इसका अगर सदन में सहयोग नहीं मिलेगा तो अंततः जो केंद्र में सरकार है उस पर आरोप पड़ देना और सदन को न चलने देना, ये तो दो तरफी बात होगी ना। आप एक तो सदन में नहीं चलने दे रहे, ऊपर से मांग उठा रहे हैं कि आप इसको पास करिए। कांग्रेस के वो खान साहब बोल रहे थे आज ये हो रहा है वो हो रहा है, सब कुछ ठीक है, चलिए तो जनता की भलाई के लिए सरकारें काम करती है, वो होना भी चाहिए, बहुत स्वागत है उसका। लेकिन आप फिर सदन क्यों नहीं चलने देते हैं, इस पर भी विचार करिए। महत्वपूर्ण बिल है लेकिन उसकी महत्ता कहाँ नजर आ रही है सर? अगर पास हो जाता तो लगता कि हाँ आपकी, आप उसकी महत्ता को समझ रहे हैं, गंभीरता है आपकी। सोनी जी निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण बिल है, लेकिन जो बिल अपने लाइन से लगे हुए हैं, जिनका अपना क्रम है, क्या वो महत्वपूर्ण बिल नहीं है? सारे बिल महत्वपूर्ण है, मैं तो कह रहा हूँ सारे बिल महत्वपूर्ण है, लेकिन सदन को कितना चलने दिया जाता है विपक्षी पार्टियों द्वारा, या क्या कांग्रेस के नेतृत्व में जो विपक्ष अभी सदन में है वो कितना सहयोग करता है किसी भी बिल को पास कराने के लिए? आप कह रहे हैं कि आप इस बिल के पक्ष में हैं, आपने विधानसभा में इस पक्ष में वोटिंग भी की, आपका समर्थन भी था जब विधानसभा से प्रस्ताव को पास कराया गया, प्रदीप सिंह जी, तब आपका समर्थन था। आप कह रहे हैं इसके पक्ष में, सरकार कह रही है कि आप विरोध में हैं, तो आप पक्ष में तो इसकी खूबियां बता पाएंगे कि अगर सरना कोड अगर लागू हो जाता है झारखंड में, तो इससे
किस तरह आदिवासियों की जो स्थिति है उसमें बदलाव आएगा, किस तरह से आदिवासियों को एक विशेष दर्जा दिया जाएगा, उससे क्या उन्हें बेनिफिट्स होंगे? देखिए सर, निश्चित तौर पे कोई बिल जब सदन या संविधान का हिस्सा होता है तो कई सारी अनुसूची है जहाँ पे उनको प्रोटेक्शन मिलती है। बहुत लंबी प्रोसेस है और उनकी भाषा एक भाषा और हाथ मैं झारखंड में कार्य मैंने जरूर किया है लेकिन मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ एग्जैक्ट नेम। एक कहावत के रूप में कि हाथ और भाषा वो महत्वपूर्ण है उसके लिए या किसी भी जाति जनजाति के लिए उसकी पहचान महत्वपूर्ण होती है लेकिन उसकी पहचान दिलाने के लिए कुछ लोग जो वेस्टेड इंटरेस्ट पे काम करने लग जाते हैं तो वहां तो खत्म हो जाता है। एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ, अभी पहलवानों ने अपना आंदोलन किया, वो बात दूसरी है कि वो क्या मैटर था क्या था लेकिन वहां पे जब राजनीतिक दल वहां पे पहुंचने लगे और पहुंचने लगे तो कुछ वर्ग के खिलाड़ियों का कहना था ये तो अब हाईजैक हो चुका है। निश्चित तौर पे सभी को अधिकार है अपनी बातों को कहने का और हम चूंकि विधानसभा में हमारी पार्टी ने इसका समर्थन किया है निश्चित तौर पर हम समर्थन कर रहे हैं शिवम जी, लेकिन जब इस पे वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाते हैं तो उसका जो फोकस होता है वो डेविएट हो जाता है। लोग अपना जो लोग आ जाते हैं उसमें अपनी रोटी सेकने के लिए वो सबसे बड़े दुश्मन होते हैं उस पर्टिकुलर बिल या उस पर्टिकुलर आंदोलन के लिए। अब अगर देखिए यहाँ पे ये गुरुवार को ये घटना हुई, आज शनिवार का दिन है, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और इसके बाद दो दिन बाद फिर क्या होगा? क्या हेमंत सोरेन जी अपने प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, आप प्रदेश के मुखिया हैं, आप सदन में आप सबसे ज्यादा बहुमत के आप नेता हैं, आपको कौन सा अधिकार नहीं है? आप अपने अधिकारों का प्रयोग करिए, आप बार बार जाइए, आप क्यों नहीं कोई सुनवाई क्यों नहीं होगी? लेकिन इस तरह से न्यूज बनाना और न्यूज बना करके अपने उसको हित में प्रायोजित करना उसको प्रकाशित करना ये राजनीति कही जाती है। और जब इस प्रकार की राजनीति होती है तो जो भी विपक्ष में होता है वो निश्चित तौर पे जो भी क्या हम वहां पे विपक्ष में है तो हम अपनी आवाज उठाएंगे। हमने समर्थन किया है और हम विरोध कर रहे हैं, हम तो यू टर्न वाला खेल तो यहाँ चल नहीं रहा ना, महत्वपूर्ण बिल है वो राज्य के लिए लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक है फिर उसका महत्वपूर्ण बिल है और उसकी महत्ता को बीजेपी समझ रही है सर, लेकिन पहले से काफी सारे बिल है जो पेंडिंग में है, प्रक्रिया के अनुसार ही काम होगा ना सर, या हवा हवाई हो जाएगा? फिरोज खान के भी रखे हुए हैं ये लोग, क्यों नहीं चलने देते कांग्रेस के फिरोज जी? जब सदन चलती है तो कांग्रेस विरोध में आ जाती है, सदन के पास पहले ही समय आप बोल देने दीजिए ना प्रदीप जी, आप काफी देर से बोल रहे थे, मैंने आपको टोका नहीं, फिरोज जी को बोलने दीजिए। भारतीय जनता के पार्टी के जो लोग हैं झूठ बोल रहे हैं, बीजेपी शासन के हुए हैं प्रधानमंत्री, झूठ और सच क्या होता है इसमें आप बताएं ना फिरोज खान, झूठ क्या है इसमें? वो कह रहे हैं कि काफी सारे बिल हैं वो लंबित हैं, पहले उनकी बारी आएगी फिर इसकी बारी आएगी, अगर ये विरोध में होते तो विधानसभा से प्रस्ताव पास क्यों होता? नहीं नहीं, जिस बिल से भाजपा को फायदा होगा वो बिल अपने आप पास हो जाता है, विपक्ष वॉकआउट भी करता है तो भाजपा ठीक है, कोई सियासत है उसके अलावा कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया आपका फिरोज खान साहब चर्चा में शरीक होने के लिए, प्रदीप सिंह जी आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। तो सरना पर सियासत झारखंड में जारी है, ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि राष्ट्रपति से लगाई गुहार आखिरकार कितनी होती है, कारगर कितनी काम आती है, क्योंकि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से जब राष्ट्रपति बात कर रही थी झारखंड में तभी हेमंत सोरेन भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे और उन्होंने उनसे बात की और मांग की कि सरना धर्म कोड को लागू किया जाए। हालांकि बीजेपी कह रही है कि ये राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल तोड़ना है, आप पत्र के जरिए भी राजभवन से सीधे राष्ट्रपति भवन से मांग कर सकते थे। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश पूछताछ झारखंड में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।